मैं यास्मीन हैदराबाद वाला .com पर आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं आज आपको चिकन जलफ्रेजी बनाने का तरीका बताऊंगी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स या अज्जा हमें चाहिए वो हैं, बोनलेस चिकन के मीडियम साइज़ के पीसेस, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, पाव टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून बारीक नमक और आधा टेबलस्पून विनेगर या सिरका चाहिए। चलिए चिकन को मैरिनेट करते हैं। अब चिकन में सारे मसाले डाल दीजिए। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बारीक नमक और विनेगर डालिए। अब चिकन को अच्छी तरह से मिलाकर 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। जो तरकारियों के क्यूब्स या पीसेस बनाने हैं वो हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के गाजर, 2 अदद टमाटर, 2 अदद मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को दोनों तरफ से कट करके इनका छिलका निकाल दीजिए। अब इसे 4 हिस्सों में कट कर दीजिए और क्यूब्स अलग कर दीजिए। चलिए अब शिमला मिर्च के क्यूब्स बनाते हैं। इनके भी क्यूब्स कट कर लीजिए और बीज निकाल दीजिए। टमाटर को भी कट करके इनके क्यूब्स बना लीजिए और इनका गोदा या सॉफ्ट पल्प निकाल दीजिए। गाजर को साफ करके इन्हें धो लीजिए और पतले पीसेस बना लीजिए। ग्रेवी बनाने के लिए हमारे पास हैं 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया, कटे हुए गाजर, टमाटर के क्यूब्स, प्याज के क्यूब्स, शिमला मिर्च के क्यूब्स, 3 अदद साबुत हरी मिर्चें, 2 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, 1/4 किलो या 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए गोदा या पल्प और बीज के साथ, 1 से 1.5 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से बारीक नमक लीजिए, आधा स्टैंडर्ड कप तेल, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर चाहिए। पैन में तेल डालिए। जब तेल गर्म हो जाए इसमें प्याज के क्यूब्स डालिए, शिमला मिर्च के क्यूब्स, गाजर डालिए। तकरीबन आधे मिनट तक इन्हें तल लीजिए।
टमाटर के क्यूब्स डालिए, एहतियात से मिलाते हुए इन सब तरकारियों को तल लीजिए और निकाल लीजिए। बचे हुए तेल में मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस फिर से मिलाकर डालिए। एहतियात से मिलाते हुए इन पीसेस को हल्के ब्राउन रंग के होने तक तल लीजिए। कटी हुई लहसुन डालिए, तीस सेकेंड तक इसे तल लीजिए। बारीक कटे हुए टमाटर डालिए, जब टमाटर गल जाए इसमें गरम मसाला पाउडर डालिए, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालिए, बारीक नमक। तेल छूटने तक इस ग्रेवी को एहतियात से भून लीजिए। तली हुई तरकारियां डालिए, एहतियात से मिला लीजिए। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालिए, साबुत हरी मिर्चें डालिए, आधा कप पानी डालिए, ढक्कन ढक दीजिए और तकरीबन 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाइए कि चिकन गल जाए। चिकन जलफ्रेजी तैयार है। रुमाली रोटी या पराठा या फिर चावल के साथ सर्व कीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी कीमती राय ज़रूर लिखिए। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।